मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। भिंड जिले में इन दिनों नवरात्रि की धूम है, चारों तरफ मां के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। भिंड शहर में बीरेंद्र नगर स्थित मां मंगला देवी मंदिर पर मां की पंडाल लगी है, जिसमें झांकियां भी चल रही हैं। मंदिर को सुसज्जित तरीके से सजाया गया है। वहीं मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें चित्रकूट धाम से पधारे सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पंडित राजकुमार वाजपेयी की श्री मुख से कही जा रही भागवत कथा का रसपान करने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। मंगला देवी मंदिर पर प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन होता है। कथा के आठवें दिन आज भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की शादी का संगीत में वर्णन पंडित जी के मुखारविंद से सुनाया गया। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की झांकी भी दिखाई गई। राष्ट्रीय सुप्रसिद्ध वक्ता पंडित राजकुमार वाजपेयी ने नवरात्रि में नौ देवी के अलग अलग महत्व के बारे में बताया। इसके साथ धबों में रामलीला का मंचन मनमोहक समा बांधते दिखाई दिया और रौन के अधिकारी धबों में रामलीला का मंचन मनमोहक समा बांधते दिखाई दिया और रौन के अंधियारी मंदिर के लगातार नौवें दिन तक श्रद्धालु द्वारा लंगर और प्रसाद भंडारे का वितरण किया। इसके साथ भिंड की अटैर रोड पर भक्तों द्वारा लगाई गई झांकी आकर्षण का केंद्र रही।